जोरदार तालियां बजाइएगा। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधाय, वरनौ रघुवर विमल जशो जो दायक फल जाय। बुद्धिहीन तनु जानी की सुमिरो पवन को बल बुद्धि विद्या दे घूमोगे हरहु कलिश श्याम श्याम तो मेरे टू श्याम है जीवन प्राण और श्याम भक्त जग में बड़े उनको करूं प्रणाम। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कृपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वदा नमो सुते। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे जयकारा नहीं लगाते इसलिए ऑक्टोपैड में किसमें कीबोर्ड भी बज रहा है। अच्छा जय हो, ये हमारे भैया ने डाउनलोड कर लिया अपने ऑर्गन में कि भक्त तो जय बोलते नहीं, कम से कम यही जय बुलवा दे। माँ का नाम लेने में कोई शर्म नहीं और दुनिया में इससे बढ़कर कोई कर्म नहीं। जरूरी है कहीं बोले या ना बोले लेकिन अपने प्रभु का अपने ईश्वर का ऊपर वाले का जयकारा जरूर लगाएं। जरा दोनों हाथ उठाकर बोलिए सच्चे दरबार की। आइए बड़ा सुंदर सा दरबार सजाएंगे। हमारे कलयुग में दो देव, पहले हमारे बालाजी महाराज, दूसरे हमारे बाबा श्याम,
जिनके नाम का डंका आज पूरे विश्व में बज रहा है। तो आइए सर्वप्रथम बालाजी महाराज को मनाएंगे, उसके बाद माता रानी के चरणों में चंद लाइनों में हाजिरी लगाएंगे, क्योंकि शीतला अष्टमी है और माता शीतला का भव्य दरबार सजा है। फिर बाबा के कीर्तन में झूमेंगे, क्योंकि फागुन अभी भी चल रहा है ना, फागुन का महीना है। सभी मिलकर झूम कर नाच कर बाबा के चरणों में हाजिरी लगाएंगे। आओ सारे मिलकर कहना क्या, अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, दुखियों के तुम भाग्य विधाता, सिया राम जी के काज सवारे, सिया राम जी के काज सवारे, मेरा करो उधार पवन सुत, पवन सुत। अच्छा हनुमान जी को कौन कौन मानते हैं जरा एक बार हाथ उठाना। कहते हैं संकट कटे मिटे सब पीड़ा, जो सुमिरे हनुमत बल। तो कौन कौन जपेंगे हनुमान जी का नाम, दोनों हाथ ऊपर करके और दोनों हाथों को मिलाकर ताली बजाते हुए, हे दुख भंजन मारुति नंदन सुन लो मेरी पुकार, हे दुख भंजन मारुति नंदन, हे दुख भंजन मारुति नंदन सुन लो मेरी पुकार, पवन सुत पवन सुत। देखिए एक दो भजन ऐसे गाऊंगी, चाहूंगी कि आप भी मेरा साथ दें, क्योंकि कहते हैं कि तेरे भजनों को गा ना सके, तेरे भजनों को गा ना सके, ऐसी वाणी का क्या फायदा तेरे भजनों को गाना सके। क्योंकि जागरण कीर्तन सिर्फ सुनने का माध्यम नहीं होता, अगर आप प्रभु को मनाएंगे अपनी वाणी से रिझाएंगे तो प्रभु आपकी सुनेंगे, बाकी तो हम गाते हैं तो हमारी तो सुनता ही है। तालियां जो बजा ना सके ऐसे हाथों का क्या फायदा, क्योंकि साल के 365 दिन ईश्वर हमें देता है, जो हम मांगते हैं हमें मिलता है, सिर्फ साल में एक रात आपको मिलता है कि आप तालियां बजाएं, भजन गाएं, झूम कर नाच कर मनाएं, उसके बदले 364 दिन बाबा और माता रानी आपकी झोलियां भरते हैं। तो कौन कौन झोलियां भरवाने हैं जरा दोनों हाथ उठाकर, दोनों हाथ मिलाकर ताली बजाते हुए, एक दो तीन चार। अच्छा अयोध्या कौन कौन गए अभी तक, रामलला के दर्शन किसने किसने किए, हो आई आधा हैदरगढ़ हो आया, किसी बात पे कहिए, बोलो राम 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 सीता, बोलो राम 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 सीता, बोलो राम 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 सीता, बोलो राम राम।
सिया राम जय राम सिया राम जय। कहते हैं बल में बलवान न होते, कर लिए गदा महान न होते, पूरी रामायण में विजयी श्री राम न होते अगर हनुमान। बड़ी अहम भूमिका है। लंका में आग किसने लगाई? थोड़ा जोर से बोलिए। और लक्ष्मण जी के प्राण किसने बचाए? सीता मैया का पता किसने लगाया? हनुमान जी ने। अच्छा ये बताइए, जो जो अभी तक अयोध्या नहीं गए हैं, कौन कौन ऐसे भक्त हैं जो अपनी राम राम पहुंचाना चाहते हैं राम लला के पास? दोनों हाथ उठाना। जो इतना उठाएगा उसकी राम राम इतनी पहुंचेगी। जो पूरे पूरे हाथ उठाएंगे, पूरे पूरे लंबे लंबे, और हनुमान जी से कहना कि जो केसरी के लाल मेरा छोटा सा यो काम, जो केसरी के लाल मेरा छोटा सा यो काम, कि जो केसरी के लाल मेरा छोटा सा यो काम, जो केसरी के लाल मेरा छोटा सा यो काम। ओ मेरी राम जी से कह देना, जय सिया राम तो आप ही को बोलना पड़ेगा। हो मेरी मीठा मीठा भैया, और मीठा और चीनी जैसा। मेरी राम जिस कहते, जितनी जोर से बोलेंगे उतनी जल्दी आवाज जाएगी, और जो जितना धीरे बोलेगा उतने ही पीछे। जरा हाथ खोल के मेरे राम जिस कहते ना, ओ मेरे राम जिस कहते ना, जो केसरी के लाल मेरा छोटा सा यो काम, जो केसरी के लाल मेरा छोटा सा यो काम, जो केसरी के लाल मेरा छोटा सा यो काम, केसरी के लाल मेरा छोटा सा यो काम। मेरी राम जिस कह देना, ओ मेरी राम जिस कह देना, क्योंकि हमारे हमारे हिंदू धर्म के लिए गर्व की बात ये थी कि करोड़ों वर्षों का सपना पूरा हुआ तब जब रामलला अपने महलों में सच में आए और घर घर दीप जलाई गई, घर घर दिवाली मनाई गई। हैदरगढ़ में किसने किसने दिए जलाए थे? एक लाइन कहना, हम दीप जलाएंगे, हम दीवाली मनाएंगे, दीवाली मनाएंगे, क्योंकि क्योंकि अब कभी राम मेरे, अब कभी राम मेरे वनवास न जाएंगे, अब कभी राम मेरे वनवास न जाएंगे। जैसे घर में बोलती है तो चार मोहल्ला सुनता है, वैसे बोलिए ना। हाँ देखिए, एक नारी सब पर भारी ऐसा कहा गया है। यहाँ पर तो नारियों की लाइन लगी हुई है, तो ऐसी बुलंद आवाज में बोलिए कि लगे कि आज यहाँ पर बाबा का कीर्तन हो रहा है, मैया का जागरण। सारे राम आएंगे तो अंगना दीप जला के दिवाली में, ओ दीप जला के दिवाली, और मेरे जन्मों के सारे पाप कट जाएंगे, राम आएंगे, मेरे जन्मों के सारे पाप कट जाएंगे, राम आएंगे। ताली नहीं बजा रहे ना? देखिए मुकेश भैया कह रहे ताली नहीं बजा रहे। कहते हैं बागों में माली का, भोजन में थाली का, और ससुराल में साली का। जैसे महत्व होता है वैसे ही कीर्तन में ताली का महत्व होता है। दोनों हाथ लंबे ऐसे उठाओ हाथ और ताली बजा के कहना, मेरी झोपड़ी के बाद खुल जाएंगे, राम आएंगे, झोपड़ी के बाद खुल जाएंगे, राम आएंगे, राम आएंगे, राम आएंगे।
शबरी के घर पैर पड़े थे राम जी के। भैया ये सीटी जो मार रहा है इसको बंद कर दीजिए। जैसे शबरी के घर प्रभु श्री राम के पैर पड़े, शबरी खुशी से पागल हो गई, सोचा कि साक्षात भगवान मेरे घर आ रहे हैं। और कहती है क्या, सजा दो घर को गुलशन सा, सजा दो घर को गुलशन सा, अवध के राम आए हैं। सजा दो घर को गुलशन सा, अवध के राम आए हैं। अवध में राम आए हैं। लेकिन जब शबरी के घर गए प्रभु श्री राम तो शबरी कहती है, सजा दो घर को गुलशन सा, सजा दो घर को गुलशन सा, अवध के राम आए हैं। सजा दो घर को गुलशन सा, अवध के राम आए हैं। अब रामायण किसने किसने देखी है, सबने देखी होगी टीवियों में। जब 2 साल लॉकडाउन लगा तो मुझे लगता है सबने ही रामायण और महाभारत देखी होगी, क्योंकि रामायण और महाभारत से हमें 2 चीज सीखने को मिलती है। सुनिएगा, जिस घर में भाई भाई के लिए लड़ता है उस घर में रामायण होती है, और जिस घर में भाई भाई जायदाद के लिए लड़ते हैं उस घर में महाभारत होती है। और सबने देखा होगा घर घर में ये, है ना। अब सुनिए चंद लाइनों में आपको बताती हूँ, जब शबरी के घर प्रभु श्री राम गए तो शबरी ने कैसे स्वागत किया, सुनिएगा। ताली बजाते रहिए, 1 2 ताली ऐसी बजाइए। इन्होंने ये साज बड़ी मेहनत से सीखे हैं, लेकिन जब आप मीठी मीठी तालियां बजाएंगे तो आपकी तालियों के आगे इनके साज भी फीके हैं। जरा ताली ऐसे बजाओ, 1 2 1 2 ओ मैं तो रुच रुच भोग लदाऊं, थोड़ा सा और ऊंचा बोलिए। जब से शादी हुई है तब से कम सुनाई देने लगा है, इसलिए थोड़ा जोर से बोलिए। मैं तो रुच रुच ओ अपनी राम जी को प्यार से, भाभी जी हंस रही है क्योंकि ये सत्य बात है, शादी होने के बाद महिलाएं थोड़ी बहरी हो जाती हैं। पता है क्यों दिन भर पति की एजी सुनते सुनते महिलाओं को थोड़ा कम सुनाई देने लगता है, है ना। रुच रुच भोग हो अपनी राम जी को प्यार से। और सुनिए क्या हुआ, जब प्रभु श्री राम शबरी के घर गए, एक रोज की कहानी सुन लो मेरी जुबानी, एक रोज की कहानी सुन लो मेरी जुबानी, दशरथ के दोनों प्यारे शबरी के घर पधारे, मारे खुशी से शबरी भूली नहीं समाई, चूंकि हमारे घर में आए हैं दोनों भाई। कुछ कुछ लाइनें आप भी बोले, अब क्या लाऊं क्या खिलाऊं ये सोचती थी मन में, फल तोड़ने के खातिर जल्दी से पहुंची वन में, फल तोड़ती जाती थी पहचान चक के करती, खट्टा जो था वो फेंका, मीठा जो था वो धर ली। अब चरणों में ला के रखा, आने लगी रुलाई। कहते ना भगत के वश में है भगवान, और भगत में इतनी ताकत होती है कि वो प्रभु को बुला सकते हैं। भगवान सिर्फ भाव के भूखे होते हैं। चरणों में ला के रखा, आने लगी रुलाई, छोटी सी झोपड़ी में आए हैं दोनों भाई, बलराम ने उठाया लक्ष्मण ने मुड़ के देखा। जैसे प्रभु श्री राम फल उठाए, लक्ष्मण भैया पलट कर देखने लगे, बोले भैया हम इस फल को कैसे खा सकते हैं, ये तो झूठा है। श्री राम समझाते अपने भैया को,
तब राम ने समझाया लक्ष्मण को प्यारे भैया इस वक्त ध्यान देना बेकार है तुम्हारा। कि लक्ष्मण तुम ये मत देखो कि ये फल झूठा है, शबरी के भाव देखो कि जिस वक्त तोड़ती थी कहती थी प्यार लक्ष्मण, जिस वक्त चीखती थी जैसे वो बैर को मुंह में लगाती थी उसके मुंह से एक ही नाम निकलता था राम राम राम। जिस वक्त चीखती थी अरे लेती थी नाम हमारा, लेती थी नाम हमारा, अरे लेती थी नाम हमारा। अब फल उठा के श्री राम खाने लगे। भजन किसको किसको अच्छा लग रहा है तो हाथ उठा के ताली बजाओ ना। फल उठा के श्री राम खाने लगे, दिया शबरी को वरदान जाने लगे। अब जैसे ही प्रभु जाने लगे शबरी चरणों में गिर गई, कहती है प्रभु अभी तो आए थे थोड़ी देर और रुक जाते। कैसे थोड़ी देर ठहरो राम, थोड़ी देर ठहरो राम, तमन्ना यही है कि प्रभु थोड़ी देर ठहरो राम, तमन्ना यही है अभी हमने जी भर के देखा नहीं है, अभी हमने जी भर के जाएगी। ओ खाली झोली मेरी भर जाएगी, खाली झोली मेरी भर जाएगी, मेरे जन्मों के सारे दुख, मेरे जन्मों के सारे दुख मिट जाएंगे राम आएंगे। सभी राम राम कहें क्योंकि कहते हैं राम नाम सत्य है और सत्य बोलो मुक्ति है। तो जरा दोनों हाथ उठाएं जो जो प्रभु श्री राम का स्वागत करना चाहते हैं हनुमान जी के साथ। जो नहीं उठाएंगे हाथ उनको सपने में मारेंगे बाबा भैरवनाथ। जो नहीं बजाएगा कीर्तन में ताली उसकी झोली हो जाएगी, और जो बजाएगा ताली वो बारों महीने मनाएगा होली और दिवाली। हाथ ऊपर और ताली मिलकर कहना बजाओ ढोली स्वागत में मेरे घर राम आए हैं। बजाओ ढोली स्वागत में मेरे घर राम आए हैं। ओ बजाओ ढोली स्वागत में मेरे घर राम आए। कथा शबरी की जैसी जुड़ गई मेरी कहानी से, तरों को आज धोने दो चरण आंखों के पानी से, बहुत खुश है मेरे आंसू, बहुत खुश है मेरे आंसू के प्रभु के नाम।
आइए चंद लाइनों में माता रानी को मनाएंगे, उसके बाद बाबा के श्री चरणों में। कौन सा? अच्छा, आप सब लोग नाचेंगे, सब लोग झूमेंगे, क्योंकि कीर्तन की है रात। हाँ, शाम के दीवानों कीर्तन कर।